आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल वॉइस टीवी। फिरोजाबाद जनपद स्थापना एवं विकास समिति फिरोजाबाद द्वारा 30वीं वर्षगांठ आगरा रोड ऑडिटोरियम द्वारा सेंटर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष छब्बूलाल अग्रवाल द्वारा की गई और संचालन उमाकांत पचौरी द्वारा किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम समिति अध्यक्ष छब्बूलाल अग्रवाल, प्रमुख शिक्षाविद, समाज सेवी रामनिवास गुप्ता, मीना राजपूत आदि लोगों ने सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं जनपद के कवि मयंक द्वारा सरस्वती गीत गाया गया। वहीं वक्ताओं द्वारा जनपद स्थापना के बारे में प्रकाश डाला गया। 30 वर्ष पूर्व हमारा शहर एक तहसील के रूप में पहचाना जाता था। 5 फरवरी 1989 को जनपद स्थापना समिति के संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा जनपद की घोषणा की गई। प्रथम जिलाधिकारी के रूप में सुरेश चंद्र रस्तोगी, प्रथम पुलिस कप्तान के रूप में अरविंद कुमार जैन ने पदभार ग्रहण किया। उसके बाद जनपद का दिन प्रतिदिन विस्तार हुआ। इस कार्य में छब्बूलाल अग्रवाल, द्विजेंद्र मोहन शर्मा, उमाकांत पचौरी, कांग्रेस नेता बाबूराम संत, मुरालीलाल गुप्ता, रामदास कुशवाहा आदि सैकड़ों लोगों द्वारा संघर्ष किया गया। आज जनपद स्थापना दिवस पर सभी का स्वागत भी किया गया और वहीं विकास के बारे में भी बताया। ट्रामा सेंटर के यूरो सर्जन डॉक्टर निमित गुप्ता का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मयंक भटनागर, पूनम शर्मा, पार्षद सुमन जैन आदि लोग मौजूद रहे। आना तो था ही, मेरा लिखा था यहाँ पर, नियति को तय था कि मुझे फिरोजाबाद में आप सबसे मिलना है और आना है। हो सकता है थोड़ा पहले एसडीएम के रूप में काम करने को मिलता, लेकिन आप लोगों ने फिरोजाबाद को जिला बनाने में जो अपनी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतनी सुखद प्रसंगों से आप लोगों ने यहाँ पर पिछले साल भी उससे साझा किया था और आज भी कुछ उन यादों को, उन स्मृतियों को हम लोगों ने यहाँ पर जीवंत किया, बात की उसके बारे में। और इसको, जिले को पहचान देने में आप सबका जिस तरह की भूमिका रही है, आप सबकी जो का रोल रहा है, उसके लिए भी मैं बहुत बड़ी कृतज्ञता अपनी व्यक्त करना चाहूंगी। आज जनपद का 30वां स्थापना दिवस है और वर्षगांठ पर आज यहाँ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के विकास पर और जिले की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसमें लोगों में एक हमारी परंपरा है कि हम लोग समाज सेवियों का सम्मान करते हैं, उसी क्रम में आज यहाँ ट्रामा सेंटर के वरिष्ठ चिकित्सक निमित गुप्ता तथा जिलाधिकारी नेहा शर्मा का सम्मान करने का निर्णय लिया गया है और नगर की जनता को 30वीं वर्षगांठ पर ये सम्मति बधाई देती है और आशा करती है कि ये जनपद का विकास दिन ब दिन प्रगति करे।